अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्रम के हिसाब से भगवंत मान 25वें और नेता के तौर पर 70वें मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। मोदी ने ट्वीट करके भगवंत मान को शुभकामनाएं दी और लिखा, पंजाब के विकास और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अब हम मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, शपथ लेने के बाद भगवंत मान ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, पंजाब की खुशहाली और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए ली गई बदलाव की ये शपथ पंजाब को खुशहाल बनाएगी। शिक्षा, व्यापार और कृषि शिखर पर पहुंचेंगे। रोजगार के नए रास्ते खुलने से युवाओं में नई उम्मीद जगेगी। आप सरकार सुनहरा और रंगीन पंजाब बनाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भगवंत मान को बधाई दी और लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भगवंत मान को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विकास है कि आप पंजाब की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और प्रदेश आपके नेतृत्व में उन्नति एवं विकास के पथ पर अग्रसर होगा। अपने भाषण में भगवंत मान ने भगत सिंह के शब्दों को दोहराते हुए कहा, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। भगवंत मान ने कहा, हमें आज से ही काम शुरू करना है, एक भी दिन हमें बर्बाद नहीं करना, हमें पंजाब के विकास के लिए काम करना है। शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों से अपील की, अहंकार ना करें, हमें उन लोगों का भी सम्मान करना होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। मैं आप सभी को और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देता हूँ। भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई। मंच पर भगवंत मान और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल साथ नजर आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस दौरान नजर आए। भगवंत मान पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।